हेलो गाइस, आज फिर से एक न्यू भर्ती आ गया है झारखंड एसएससी की तरफ से, जो कि ये वैकेंसी जो डिप्लोमा लेवल की है और इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और इसका सिलेबस क्या है और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न सैलरी क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या रहने वाला है। तीन देश से तो यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 13/6/2023 और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 11/7/2023 और इसका एग्ज़ाम फी पे करने का लास्ट डेट दिया गया है 13/7/2023 और इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का डेट भी दिया गया है 15/7/2023 और इसका एप्लीकेशन को करेक्शन करने के लिए भी डेट दिया गया है 17/19/2023 तक। और इसका एप्लीकेशन फी रहने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रहने वाला है, एससी एसटी के लिए रहने वाला है 50 रुपया। चलिए अब आगे बात करते हैं कितना पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है। जो तो हम सबसे पहले इसमें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कितना इसमें एज खोज रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 1/8/2023 तक है, जो स्टूडेंट का 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 वर्ष जो होना चाहिए। और इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, टोटल वैकेंसी है इसमें 1551 पोस्ट इसमें दिया गया है, क्योंकि अपने पोस्ट नाम भी यहाँ पर दिया गया है किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। जो तीन देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दिया गया है 26 पोस्ट, जो कि इसमें क्वालिफिकेशन खोज रहा है डिप्लोमा, यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग से खोज रहा है। और इसमें अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हो इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर दिया गया है 223 पोस्ट और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक के लिए 46 पोस्ट दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है 188 पोस्ट, जो कि ये सभी में है जो डिप्लोमा खोज रहा है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर दिया गया है जूनियर इंजीनियर सिविल वाटर रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए 400 पोस्ट दिया गया है और जूनियर इंजीनियर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट दिया गया है। यहाँ जूनियर इंजीनियर सिविल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर 457 पोस्ट जो दिया गया है। और आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर दिया गया है 11 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट जो दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 55 पोस्ट दिया गया है, इसमें डिप्लोमा खोज रहा है इलेक्ट्रिकल से और इसमें ITI भी रहेगा तो भी इसमें हो जाएगा, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ITI या डिप्लोमा करे हुए हैं तो इस इंस्पेक्टर के लिए स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट दिया गया है, इसमें ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बिंग ट्रेड के लिए। जो भी स्टूडेंट प्लम्बिंग ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए। आगे बात कर लेते हैं तो इसमें दिया गया है मोटर बाइकल इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर दिया गया है 44 पोस्ट, इसमें डिप्लोमा खोज रहा है मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें खोज रहा है यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। और अब बात करते हैं इसमें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या खोज क्वालिफिकेशन के बारे में तो हम बतला ही दिए हैं और इसमें बतलाते हैं इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें कितने एग्ज़ाम लिए जाते हैं। चलिए हम आपको बतलाते हैं। तुम देख सकते हैं इसमें दो वो है जो एग्ज़ाम लिया जाता है,
पहला जो टीयर वन है यहाँ पर दिया गया है पत्र वन, कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 120 रहेगा, जो कि परीक्षा के अवधि में 2 घंटा दिया गया है। यहाँ पर विषय भी यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं समान अभियांत्रिकी में से 80 प्रश्न रहेंगे और समान ज्ञान में से 40 प्रश्न रहेंगे। और टीयर टू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो 120 रहने वाला है और इसमें समय भी 2 घंटा जो रहने वाला है। तो यहाँ पर सेवा का नाम दिया गया है, यहाँ पर पद का नाम या सेवा का नाम दिया गया है, यहाँ पर परीक्षा के विषय दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कन्या अभियंता विद्युत के लिए यहाँ पर दिया गया है विद्युत अभियंत्र, यहाँ पर कन्या अभियंता असैनिक के लिए यहाँ पर दिया गया है सिविल अभियंत्रण, यहाँ पर कन्या अभियंता यांत्रिकी के लिए यहाँ पर दिया गया है यांत्रिकी अभियंत्रण, यहाँ पर कन्या अभियंता कृषि अभियंत्रक के लिए यहाँ पर दिया गया है कृषि अभियंत्रण, और यहाँ पर मोटरयान निरीक्षक के लिए यहाँ पर दिया गया है यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण। तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस आपको समझा दिए हैं। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसके भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं।